जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, 3:32, 3:32 PM और मार्केट अभी सिर्फ 2 मिनट पहले क्लोज हुआ। ओनली 2 मिनट्स एगो द मार्केट गॉट क्लोज्ड। तो जैसा कि मैंने चाय की चर्चा में बोला था कि एक बार जरूर 11200 आना चाहिए, आज जरूर से आना चाहिए, मतलब आना चाहिए। और जैसा कि मैंने चाय की चर्चा में बोला कि अगर कल के क्लोजिंग से आपको 40 से 60 पॉइंट मिल जाए ऊपर, तो ठोक डालिएगा बिंदास, क्योंकि PCR ऊपर है, क्योंकि क्या बताया मैंने, ये पी रेशियो 30 के ऊपर पहली बार आ गया। तो ये अलर्ट सिग्नल था, ये मैंने चाय की चर्चा में बाकायदा बोला, लेकिन बोला जब 200 के आसपास आए तो बिल्कुल वापस बाई कर लेना है ना, ये भी बोला। तो मार्केट ने सब कुछ दिखाया आज। तो चलिए पहले देखते हैं मैंने यहाँ पे लास्ट कॉल क्या दिया, क्योंकि आपको बाकी तो मैंने दिखा दिया। बैंक निफ्टी को मैंने क्लोज़ करवा दिया दोस्तों, ये 10 मिनट पहले दे दिया था मैंने, यानी कि 3:21 पे, कि बुक फुल प्रॉफिट इन बैंक निफ्टी पोजिशनल सेल एंड बाई नाउ फॉर टुमोरो। अब मुझे बैंक निफ्टी यहाँ से तेज़ लग रही है, उसका कारण भी मैं समझाऊँगा। और अब बैंक निफ्टी यहाँ से 23,000 को भी क्रॉस करेगी, तो इसको बोलते हैं चेंज, मगर टाइमली, और सबको टाइमली गाइड करना। तो पहला मेरा सेल कॉल दिखा देता हूँ आपको, ये आप लोग को मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था 11:48 का। देखिए, जहाँ मैंने सेल दिया उसके बाद इसने हाई जो बनाया उसके ऊपर जा नहीं पाया। तो पहले एग्जांपल देखते हैं कहाँ पे सेल दिया, 440 का हाई है, उस समय 428 का हाई था जब मैंने सेल दिया था, 428 का। तो नया हाई इसने बनाया 440 का, जब आप लोग को वीडियो दिखाया था तब 428 का हाई था। तो 440 का हाई बनाया और मैंने टारगेट दिया था 21,000 का कमिंग वेनेसडे तक। लेकिन अब मैं इसका कारण बताऊंगा क्यों मैंने इसको क्लोज़ करवा दिया। लेकिन क्लोज़ कहाँ करवाया, 21,900 आ गया तब क्लोज़ करवाया ना, 21,964 फ्यूचर में। तो ये प्रॉफिट ही हुआ आपको, 400 पॉइंट तो मिले, नुकसान तो हुआ ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी का लो क्या बना, आप देख सकते हो सर 964 का लो बना। अब बैंक निफ्टी में मैं बुलिश क्यों, निफ्टी के बजाय मैं अब बैंक निफ्टी प्रीफर क्यों करूँगा, वो मैं आपको चार्ट से समझाऊंगा दोस्तों। और रिलायंस बाबा, मैंने आप लोग को खुला चैलेंज दावा किया था कि मिनिमम 100 रुपये गिरेगा, मिनिमम। आप कल की क्लोजिंग देख लो 2174.45, आज का हाई देख लो 2179 और आज का लो देख लो, तो 100 रुपया मेरा बात था, इसने मान लिया। अब कल रिजल्ट है भाई साहब का, तो इतनी इज्जत तो नहीं मारेगा अपनी, तो कल एक बार थोड़ा सा 2150, 2200 या 2250 भी कल जा सकता है, उसके लिए मैं मना नहीं करता हूँ। लेकिन उसके बाद की बात बोलता हूँ, उसके बाद इसको 7 ट्रेडिंग डेज, क्योंकि अब 8 बोला मैंने तो कल एक दिन हो जाएगा, उसके बाद के 7 ट्रेडिंग डेज में इसको 1950 आना पड़ेगा, क्योंकि इसकी 20 EM है। पहले मैं रिलायंस का ये चार्ट देख लेता हूँ, चलिए फिर आपको आगे बढ़ाता हूँ। तो रिलायंस मैंने चैलेंज किया था आपको कि कल गिरेगा, ये रिलायंस का डेली चार्ट है। अब इसकी एवरेज आ गई है 20 EM में, मैंने चैलेंज किया था आपको 8 ट्रेडिंग डेज में। अब कल के बाद 7 ट्रेडिंग डेज बचेंगे, कल के बाद, आज के बाद मैंने 8 ट्रेडिंग डेज बोला, तो 8 में से कल एक दिन घट जाएगा तो 7 हो जाएंगे, फिर फ्राइडे और 6 दिन और है ना, इसको आना पड़ेगा 1954। तो आज की कैंडल आप देख सकते हो रिलायंस की, वन साइडेड रेड कैंडल है, वन साइडेड रेड। लेकिन कल ये रिजल्ट का खेल है, तो कल हो सकता है गिरा भी दे, तो अगर गिराता भी है तो यहाँ पे जरूर बाई करना है 1950 पे, तो इसको आँख बंद करके बाई करना है, आँख बंद करके, ठीक है, बाई करना है बाई। फिर आप 2400 के लिए खेल सकते हो इसमें एक बार। लेकिन अगर आपको सितंबर तक का टाइम है, सितंबर यानी कि यहाँ से 8 हफ्ते रुक सकते हो, 8 वीक्स, तो मैं आपको दावा करता हूँ 1650 भी आएगा। क्यों आएगा 1650, वो भी दिखा देता हूँ। लेकिन एक बार ये 2300 का हाई बनाएगा, क्योंकि इसने पहले हाई क्या बनाया था, इस हाई को जरूर तोड़ेगा, ये जो हाई बना था 2198.80, इसको तोड़ेगा जरूर, ये मान के रखिए। अब हो सकता है पहले 1950 आ जाए, फिर इसको तोड़ दे, फिर वो सितंबर वाली बात में जो बोल रहा हूँ 1600, देखते हैं पहले सितंबर का मैंने जो आपको बोला है वो क्यों बोला है, 1650 या कुछ होगा, अभी वीकली देख लेते हैं इसकी एवरेज।
फिर मैं निफ्टी बैंक निफ्टी भी बता दूँ, क्योंकि बिग बॉय रिलायंस तो बताना पड़ता ना। तो अब ये 1678 यानी कि इस रेट पे जरूर आएगा। इसमें ये रोज चेंज होती है मूविंग एवरेज, हर वीक चेंज होगी, लेकिन कितना बढ़ बढ़ के भी 1700 तो आ ही जाएगी। तो 1700 आप मान के चलिए टारगेट टिल सितंबर, कितना कब तक, टिल सितंबर मंथ, सितंबर के लास्ट तक, क्योंकि इसको वीकली में टाइम लगेगा अभी। ये कितनी वीक हो चुकी है, ये देखिए यहाँ पे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 ही वीक हुई है अभी, तो और कम से कम भी 8 वीक, क्योंकि इसमें देखिए कितना टाइम लिया इसने BCMA को टच करने के लिए, रेड कलर की लाइन, 1 2 3 4 2 6 2 8 3 11 12 13th वीक में टच किया। तो अभी इसलिए मैंने 8 वीक आपको टाइम और मांगा है। इसके पिताजी को भी आना पड़ता है, नियम कानून यही बोलता है, लेकिन ऐसी कोई गारंटी लेके मत चलिएगा भाई साहब। आप मेरे भरोसे कुछ कर डालो और फिर मेरे को बोलते रहो, तो ऐसा मत करना। आपको सही लगे तो करना, नहीं लगे तो मत करना। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, आप 1000% भी स्टॉक मार्केट में अगर श्योर हो ना, तो कभी भी एक ट्रेड में अपनी 20% से ज़्यादा कैपिटल कभी भी इन्वॉल्व मत करो एक ट्रेड में। अगर आप 1000% श्योर हो तो 20%, अगर आप 100% ही श्योर हो तो 10% से ज़्यादा कैपिटल एक ट्रेड में झोंको मत। अगर आपकी कैपिटल 1 लाख है तो आप 10,000 से ज़्यादा कभी भी नहीं लगा सकते हो एक ट्रेड में, ये नियम है, तभी आप लॉन्ग सर्वाइव करोगे लंबे। और अगर आपके 1000% श्योर हो तो आप 20% कर लो बस। अब मैं आ जाता हूँ, तो रिलायंस आपने देख लिया, वीकली भी मैंने बता दिया, वीकली में भी एक रेड बन गया। आप देखो ये पहला वीक है जिसमें रेड बना ऊपर से, तो लेकिन इसको यहाँ पे 2000 पे बहुत बड़ा सपोर्ट है। आप देखो 2015 पे, 2015 तोड़ना बहुत मुश्किल लगता है मुझे, तो कल इसमें तेजी लग रही है इंस्पाइट, क्योंकि आज रिजल्ट का था, आज इसने किया तो कल मैं तेजी करूँगा इसमें, लेकिन मैं थोड़ा नीचे लेने की कोशिश करूँगा। अब मैं आ जाता हूँ बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी क्यों बुली से, उसके बाद मैं निफ्टी पे भी आऊँगा। तो ये तो मैं बैंक निफ्टी का डेली चार्ट खोल देता हूँ आपको। तो बैंक निफ्टी मैंने सेल कॉल भी दिया, परफेक्ट रहा, और वापस बाई भी करवा दिया इसको। अब देखिए बैंक निफ्टी में लोअर साइड में एक डोजी बन गया आज, क्या बन गया। तो अब ये बैंक निफ्टी आपको ये वाला हाई तोड़ेगा, आपको लिखित में लिख लीजिए आप, 23,211 जो इसने 22/7 को मारा है, मुझे लगता है 2 दिन में तोड़ डालेगा, 2 दिन में 30 और 31 में। मैं कितनी बड़ी बात बोल रहा हूँ, आज की क्लोजिंग क्या है पहले तो देख लेते हैं। 22,076 की क्लोजिंग आज कितनी है, 22,076। आज का लो कितना है, 906। आज का ओपनिंग कितना, 22,075, और सेम क्लोजिंग है, 75 का ओपनिंग है, 76 की क्लोजिंग है, 346 का हाई बनाया, 906 का लो बनाया, ठीक है। तो आप देखो एक डोजी बनाया, बिल्कुल डाउन ट्रेंड में डोजी बनाया, तो कल एक रिवर्सल है, कल हाई तो टूटना ही है 346 का, और प्रीमियम में चल रहा। आप देखो जबकि एक्सपायरी आ गई तब भी इतना बड़ा प्रीमियम कर देना, थोड़ा मजाक नहीं है। प्रीमियम कैसे है, आप देखो यहाँ पे 76 रुपया चल रहा है, यहाँ 103, जबकि एक्सपायरी में सिर्फ 2 दिन बचे, दो भी कहाँ, कल ही तो एक्सपायरी है, वीक में 2 दिन बचे सीरी मंथ में, तो भी ये प्रीमियम पे चला रहा। तो ये 2 दिन में, मुझे लगता है 2 दिन में, सिर्फ 2 दिन में 30 और 31 में ये 22,211 को तोड़ देगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग को ये भी लगेगा कि सर आप तो बोले 8 ट्रेडिंग डेज में 10-800 आएगा, वो भी आएगा, 800 नहीं जो एवरेज है वो आएगी, वो उसके बारे में भी बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी आपको मैंने बता दिया, अब मैं आ जाता हूँ बैंक निफ्टी क्यों बढ़ेगा ये भी बताता हूँ। ये तो डोजी बताया आपको, आप देखो कल इसने एक हैमर बनाया था, आपको देखो ध्यान दीजिए, हैमर बनाया था है ना, और आज इसने हायर लो एंड हायर हाई बना दिया, हायर लो एंड हायर हाई विद डोजी कन्फर्मेशन, ठीक है। इसलिए बढ़ेगा कल, डेफिनेटली बढ़ेगा, डेफिनेटली वर्ड मैं यूज़ कर दिया हूँ उसके लिए, ठीक है। निफ्टी, निफ्टी में आ जाते हैं, निफ्टी देखिए आज एक नया हाई बनाया और लोअर लो हायर लो बनाया, हायर हाई एंड हायर लो इन स्पाइट ऑफ ए रेड कैंडल। और एक दिन जब भी एक्सपायरी का बचता, तो अगर रेड कैंडल होती तो अगले दिन बहुत बड़ी वाइट कैंडल बनती है, याद रखिएगा।
आप पहले के कई एक्सपायरी को ढूंढ लीजिए, अगर बुधवार को बड़ी मंदी आई तो गुरुवार और शुक्रवार ने रुला दिया बियर्स को, रुला दिया है। तो अपने पास अब 8 ट्रेडिंग डेज बचे, 8 से 9, तो 8 ट्रेडिंग डेज बचे। 8 ट्रेडिंग डेज में हमको कहाँ तक आना है, 10,862 तक आना। ये एवरेज सॉरी 20 EMA का 898, ये बढ़ बढ़ के 900 तक पहुंच गई, देखिए आप। तो इतना तो इसको आना ही है। मैं 20 EMA का दावा कर रहा हूँ, ये फिगर नहीं बोल रहा हूँ। तो ये 20 EMA जितना आ जाएगा उतना इसको आना है। आज 20 EMA बढ़ के आ गया 898 पे, तो 900 मान लीजिए। तो इसको अगले 8 दिन में 10,900 भी आना है, ये भी मान लीजिए। लेकिन कल और परसों ये बढ़ सकता है। इसका कारण क्या है, इन स्पाइट ऑफ ए रेड कैंडल एक हायर हाई बनाया, क्योंकि कल का हाई था 317 रुपया 75 पैसा, आज का हाई है 341, कल का लो था 151 और आज का लो सेम मार दिया, लो बिल्कुल सेम है। लेकिन कल फ्यूचर डिस्काउंट में चल रहा था, आज फ्यूचर प्रीमियम में, वो ध्यान रखिएगा। इसीलिए आपको फ्यूचर में वो लो नहीं आया, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये कैंडल थोड़ी कंफ्यूजिंग है निफ्टी वाली, लेकिन फिर भी इसने नया हाई बनाया, तो हो सकता है 2-3 दिन करेक्शन देने के बाद इसको तोड़ने आए। तो मैं निफ्टी के लिए कल बुलिश नहीं हूँ, लेकिन मार्केट को टानेगा तो इसको भी टान देगा। तो कल बैंक निफ्टी ज़रूर इसमें कंट्रीब्यूट करेगा। और आज जब बिग बॉय रिलायंस गिरा तो निफ्टी की भी हवा पस्त हो गई, ठीक है। तो 898 आ गया BCMA इसका, तो ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी सुधार हो गया, कल खींच देगा यार, कोई ना कोई न्यूज़ ला के खींच देंगे यार, छोड़ने वाले नहीं है। तो मैंने आप लोग को बोला था पी रेशियो आज 30 आ गया था, किसी ने मुझे मैसेज किया तो मैंने आपको लिख दिया। चलिए मैं निफ्टी का पी रेशियो देख लेते हैं, कल तक का क्या था ये तो दिख जाएगा, क्योंकि NSE की वेबसाइट आफ्टर 4 बजे अपडेट करती है, ठीक है। तो मैं इसको खोल के दिखा देता हूँ, कल तक का देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा एक हफ्ते का पी रेशियो, एक हफ्ते का डाटा ले लेते हैं हम लोग। चलो 1 जुलाई से ले लेते हैं, 1 जुलाई से कल तक का, आज तक का ही डालते हैं, लेकिन आएगा कल तक का ही। आज वाला तो आप ये 5 बजे बाद ही दिखाएगा। तो 1 तारीख से देखते हैं पी रेशियो में क्या मूवमेंट हुआ। 26.97 से चालू हुआ 1 जुलाई से, 27.63, 27.28 पहुंच गया, 28.28, 26, 28.27, 28.36, फिर 27 आया, फिर 28 आया, और 27 जुलाई को ये 29 रुपया 35, 24 जुलाई को 29.35 का हाई बनाया, और कल यस्टरडे 29.87 का, ये लगभग ऑल टाइम हाई है, क्योंकि 90 का ऑल टाइम हाई था पहले। और आज शायद किसी ने मुझे मैसेज किया 30 क्रॉस हुआ था एक बार, तो 30 क्रॉस हुआ, लेकिन क्लोजिंग क्या आई होगी, क्योंकि ये तो एट द क्लोजिंग लिखता है, कौन लिखता है, जो NSE की वेबसाइट। लेकिन इंट्राडे में आज इसने 30 क्रॉस किया, ऐसा मुझे मानना है, किसी ने बोला है। तो 29.87 ये सब अलर्ट वाले सिग्नल है बॉस, इधर अगर आप बाई करके जा रहे हो तो अपना घर बार बेचने की तैयारी भी कर लेना निफ्टी। लेकिन बैंक निफ्टी सरप्राइज करके टाने का, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि 30 पे चल जाए, क्योंकि पी रेशियो का मैंने एक वीडियो आपको बना के दिया था, याद है। चलिए मैं दिखा देता हूँ कि ये 30 क्यों आया और ये 30 पे क्यों नहीं गिरेगा। उस समय बहुत लोगों ने वीडियो बनाया था पी 29 आ गया अब तो सावधान सावधान, तो मैंने उसकी काट में एक वीडियो बनाया था कि भैया क्यों ये 31 भी जा सकता है। तो ये वापस आपको वो वीडियो दिखाता हूँ, पी रेशियो शायद इसी के नाम से है, भगवान करे मिल जाए, कहाँ है यार, अरे यार नहीं है सर, कुछ क्या डाला था मैंने, विद्यासागर, वाई मार्केट, ये देखें क्या वाई मार्केट कहाँ पे, अरे यार
चलिए मैं वीडियोस में देख लेता हूँ आपको, मैं उसका लिंक बता देता हूँ, एक सेकेंड। वीडियोस में वो ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी दिख जाएगा, अब याद ही नहीं रहता, मैं इतने वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, मुझे माफ़ कर दीजिएगा इसके लिए, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता कौन सा वाला वीडियो का क्या नाम दिया। अब देखो आप पेट्रोनेट देख लो, आज कल तक 230 भी चला गया, लेकिन आज वापस 243 आ गया है ना, तो ये चलना ही है। जो मैंने दिया आपको 10% का स्टॉप लॉस, 10% का टारगेट, उसको चलना ही है कितने भी। उस पे एक बैड न्यूज़ आई थी इस पे, कि इसने कतार से अपना वो डील ख़त्म कर दिए, इसलिए वो गिरा था कल, वरना वो अपॉर्चुनिटी थी, दिया था आपको। ठीक है, वाई पी थोड़े दिन पहले बनाया था, देखते हैं। ये है क्या? जय जिनेंद्रा, जय भोलेनाथ। दोस्तों 9:12, 9:12 PM, जुलाई 10 तारीख, आज 10 जुलाई, भी आराम से फ्यूचर से कर सकता हूँ। ठीक है, अब आ जाइए, मैं आपको पी रेशियो दिखाता हूँ निफ्टी का। तो मैं आपको 1 जनवरी से क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ने 12,430 का हाई बनाया था, ऑल टाइम हाई जनवरी 2020 में। तब पी क्या चल रही थी आप देखिए, 28.33, 28.56, आप देखते जाइए, ये 1 जनवरी से चालू है। ठीक है, 28, इसमें हाईएस्ट देखिएगा 28.60। कितना पैसा बनाया 10 साल में? 3319, जो 2000। लेकिन जिसने इस हाई पे खरीदा, उसने अगले भी तेजी होगी, उसके बाद ही मार्केट एक बार 11,000 या 11,200, 2-3 अगस्त तक आपको खींच के ही रखेगा, और 2-3 अगस्त से बड़ी मंदी आएगी, मैं आपको बोल रहा हूँ। और वो मार्केट को हो सकता है 7,511 का लो भी तोड़ के 6,200 N बनाए, उल्टा N, जो मैंने उसमें डिस्कस किया, 6,400 का भी नया लो बन सकता है आने वाले, बंद करके 100, 50, 20, 30 जितने भी आप ले सकते हो। FIs के पास 29.8% है, आदर्स के पास कितना है, एक भी शेयर का प्लेज नहीं है। देखिए, प्लेज प्रोमोटर होल्डिंग्स नन, मेजोरिटी शेयर होल्डर्स प्रोमोटर्स। म्यूचुअल फंड ने 19 स्कीम मिला के खाली 42.42%, लेकिन FIs 446 FIs मिलके 30% लगभग इसका शेयर होल्ड करते हैं। और इसके प्रोमोटर्स की दिसंबर 2019 से लेके, तो इसमें भी मैंने पी का समझाया, आप देख सकते हो, और कहीं ना कहीं मैंने पी का बहुत अच्छा एक डिटेलिंग वीडियो बनाया था, अब मुझे याद नहीं आ रहा, इसी इन्हीं के आसपास होगा कि क्यों करेक्शन अभी नहीं आना। रुकिए रुकिए रुकिए, बीयर्स का इंतज़ार कब ख़त्म होगा, शायद ये वाला हो सकता है, शायद पी आप देख सकते हो, बार बार मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये वाला 28 के ऊपर गई थी, ये पहले एक बार 2008 में गई थी। When will the correction in Nifty come? How much will Nifty correct? इतनी बड़ी गिरावट आ गई, सी 10 के आसपास आ गई, 87 है, और खाली आप देखो, और 20 वाले की भी 200 दिन से नीचे की वैल्यू है, 10,427, क्योंकि इस तरह से चला था ये परफेक्टली, एक उल्टा जो बैड न्यूज आ रही है, जैसे कोरोना काफी बढ़ गया है, 25,000 केसेस कल भी आए हैं, ये सब और मार्केट को खींचने के। एनीवे मैं आपको शाम को दिखाऊंगा, अभी टाइम नहीं, आपका वेस्ट नहीं करता हूँ, वीडियो एंड करता हूँ। और जय जितेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। तो मैं कल थोड़ा सा एक बुलिश डे देख रहा हूँ, क्योंकि उसका एक न्यूमरोलॉजिकल रीज़न भी बता देता हूँ, कल बैंक निफ्टी क्यों बड़ा बियर बुलिश हो सकता है। एक तो कल 30 तारीख है, ठीक है, 30 तारीख में अंक आ गया 3 का, 3 मतलब गुरु, और कल गुरुवार भी है, तो कल एक बैंक निफ्टी एक बड़ी तेज़ी सरप्राइज दिखा सकता है, हो सकता है कल ही 1,000 पॉइंट खींच दे, ऐसा मुझे लगता है। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ।